हेलो दोस्तों रौनक की तरफ से राम राम और प्रणाम आप देखना शुरू कर चुके हैं दिन में दूसरी बार रणतंत्र थोड़ी ही देर में धोनी भैया एक बार फिर से दिखेंगे गुजरात वालों के खिलाफ अगर धोनी ने कप्तानी न छोड़ी होती तो हम ये कह सकते थे कि आज का मुकाबला ओल्डेस्ट वर्सेस यंगेस्ट कप्तान के बीच है लेकिन अब तो ऋतुराज और शुभमन गिल दोनों ही यंग है बताइए ना कोहली कप्तान बचे न धोनी बचे और न ही रोहित बचे एकदम से वक्त बदल गया जज्बात बदल गए हालात बदल गए लेकिन इन लीग के साथ एक चीज परमानेंट है भैया बवाल नहीं बदलता दो के बाद अप्रैल मई के महीने में हमें सिर्फ इस बात की खुशी नहीं मिलती

तो पहली कंट्रोवर्सी पहले ही मैच में हो गई थी मैं बात कर रहा हूं चेन्नई और बेंगलुरु के मैच की जिसमें से बहुत लोगों को उम्मीद थी लेकिन शुरू में इतनी विकेट मिल गई कि कोहली बिल्डअप करने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे वहां तक तो मामला ठीक था लेकिन जब चेन्नई बैटिंग करने उतरी तो उनकी तरफ से डेब्यू करने वाले रचिन रविंद्र ने तबियत से कुटाई करी पंद्रह में सैंतीस बनाए टू के स्ट्राइक

उसे बड़ी आसानी से आप कर सकते क्या दो इंसिडेंट है उसमें दो खिलाड़ी होगा आपस में कोई लोड़ा तो नहीं हुआ लेकिन गौसिब यहां भी मिली है बात कर रहा हूं हैदराबाद और कोलता वाले मैच की जिसमें खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी कमिंस और स्टाक दोनों ने कुल मिलाकर पैंतालीस करोड़ रुपए लूट लिए हैं ऑक्शन के टाइम पर, लेकिन घंटे से कुछ नहीं कर पाए हैं भाई ने और अगर स्टार्क होंगे चार ओवर में तिरपन रन देकर गए भाई साहब वो तो भला हो हर्षित राणा का वरना शाहरुख भाई का मूड उस दिन खराब हो जाता बाकी का तो मुझे नहीं पता लेकिन अगर मैं स्टार्क होता और इतने में बिककर कर मेरा प्रदर्शन ऐसा होता तो मैं शर्म के मारे थोड़ा पैसा तो अपने अकाउंट से निकालकर हर्षित